ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्री युतापदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाम कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 29वां चैप्टर नारद मुनि और प्राचीन वरिष्ठ राजा के बीच की वार्तालाप हम डिस्कस कर रहे हैं। और श्लोक संख्या 50 को हम फिर से पढ़ के उसका तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्री हरि संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा प्रदर्शक हैं। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं और वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाता है। और शास्त्रों में हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। हम सुनते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, शास्त्र में जो लिखा है वो सही लिखा है, तो इसलिए हमें जीवन को क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण चाहिए, तो ही जीवन कल्याणमय होगा। क्योंकि भगवान ही हमारे मित्र हैं, प्रदर्शक हैं, वही हमें प्रेरणा देते हैं किसी गुरु के पास जाने की, या गुरु से हमारा जो भेंट है वही कराते हैं। उसमें थोड़ा सा हमें भी सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि हमारी भेंट कई लोगों से होती है। फिर सही गुरु की पहचान के लिए भगवान ने फिर से कुछ शास्त्रों में कुछ बातें बताई हैं, यानी कि भगवान हमें ऐसा अवसर प्रदान करते हैं कि हम भक्तों के बीच में जाके रह सकें, गुरु के को समर्पित कर सकें, और फिर बाद में गुरु हमें हमारी इस भावना को और सुदृढ़ करके भगवान के प्रति समर्पित हमें कर दें। इस प्रकार से चलता है। इसलिए वही हमारे सखा हैं, वही हमारे प्रदर्शक हैं, उनकी अगर हम शरण लेंगे तो जीवन कल्याणमय होगा। भगवद्गीता में कहा गया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हर किसी के हृदय में ये हैं परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी चैत्य गुरु कहलाते हैं। तो चैत्य गुरु ऐसा भगवान गीता में कहते हैं 15वें पॉइंट 15वें में कि मैं ही सबके सबको ज्ञान देता हूँ, मैं ही सबको स्मृति और विस्मृति देता हूँ। तो ऐसा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। तो भक्त हमें कई बार स्मृति दिलाते हैं, प्रभु आपने ये कर लिया, आपने जप कर लिया, आप सवेरे उठ रहे हैं, आपने साधना कार्ड भर लिया, आपने ये कर लिया। तो ये स्मृति वास्तव में भगवान ही दिला रहे हैं भक्तों के माध्यम से। हमारी ऐसी अवस्था तो नहीं है ना कि माधवेंद्रपुरी की तरह भगवान स्वप्न में आएंगे और कुछ हमें इंस्ट्रक्शन देंगे। हमें ये इंस्ट्रक्शन भक्तों के माध्यम से मिलती है, जो कि भगवान ही दिला रहे हैं।
इसलिए मैं ही कह रहे हैं सबको स्मृति ज्ञान और विस्मृति दिलाता हूँ। तो हर प्राणी शरीर के भीतर स्थित परमात्मा द्वारा निर्देशित है। तो हमारे अंदर से बहुत सारे निर्देश आ रहे होते हैं, हमारे अंदर से हमारे मन के भी निर्देश आ रहे होते हैं। अब ये हमारी समझदारी है कि क्या हम समझें कि कौन सा निर्देश मन द्वारा दिया गया है, कौन सा बुद्धि है, कहाँ पर परमात्मा का रोल है। तो इसके लिए भी थोड़ी समझदारी चाहिए, नहीं तो कई बार हम सोचते हैं भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहा है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, अपनी इच्छाएँ पूरी करते जाते हैं और कहते हैं कि भगवान से ऐसी प्रेरणा मिल रही है। कहते हैं भगवान ही तो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर जा कर रहूँ, भगवान ही तो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो ये अभी हम इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे जीवन में भक्त और गुरु ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी मुक्त अवस्था में नहीं है कि हम अंदर की बातों को, स्वप्नों की बातों को समझ पाएं। या मन में जो आता है, जो विचार चल रहे होते हैं, कई बार वो सपने में आते हैं, आप जानते ही हैं, है ना। कितने थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहा होता है, कई बार वो सपने में आ जाता है। आप कहोगे अच्छा 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 ये भगवान की इच्छा है, तो आँख बंद करके जो दिमाग पे पिक्चर चल रही होती है वो ज़रूरी नहीं है भगवान द्वारा चलाई गई हो, वो मन द्वारा भी चलाई जाती है। तो ये क्योंकि हम अंतर अभी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में गुरु एंड शास्त्र एंड वैष्णव बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा होगा कि हम उनके आदेश को ग्रहण करें और सुखी रहें। उनका आदेश प्राप्त करने के लिए भक्त होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो निरंतर प्रेम पूर्वक भक्ति परायण है, मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। यानी कि पहले आपको भक्त भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, प्रेम पूर्वक भक्ति का प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके भगवान बुद्धि देंगे। यानी कि पहले हमारा पहला प्रयास हमारा होगा, फिर भगवान नेसेसरी रिसोर्सेज एंड जो भी ज़रूरत है हमारी उसको देते हैं योगक्षेम वहाँ में। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, किंतु वे केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करते हैं जो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हाँ, इसीलिए हम कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो हमारे से बात कर रहे हैं, हमारे से कौन बात कर रहा है पता नहीं, कौन बात कर रहा है, हमारा मन ही हमसे अक्सर बात कर रहा होता है। तो चैतन्य भागवत में कहा गया है कि जिसने कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसको उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। यस, तो पढ़ाई लिखाई एक सर्टिफिकेट नहीं है, एक डिग्री नहीं है, जिसको करके हम कुछ करने के एलिजिबल बन जाए, जैसा कि आजकल का ट्रेंड है। इसलिए इतने फ्रॉड भी होने लगे हैं डिग्रियों के लिए। हाँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई बड़ी मैकेनिकल हो गई है। डिग्री प्राप्त करने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, नंबर क्रैक करने के लिए ही पढ़ाई करते हैं, और कई लोगों ने इसको बड़ा कुशलता से एक्सेल कर लिया है। उनकी निजी उस टॉपिक के ऊपर भी ज्ञान कम होता है, लेकिन वो क्योंकि उन्हें पता है कि एग्ज़ाम को कैसे अच्छे नंबर लाया जाए तो ले आते हैं। तो वास्तविक ज्ञान तो कहीं रहा ही नहीं है, भौतिक ज्ञान में भी वास्तविक ज्ञान कम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट मिलता है इसी के ऊपर। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी कई बार लोग सर्टिफिकेट्स के लिए बड़े पागल रहते हैं, ये सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट मिल गया। वास्तव में विद्या का पर्पज़ ये है कि मैंने समझ लिया बस, अब सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। मेरा उसको समझा जाना, उस विद्या को उसका अपने जीवन में उतारना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जिसने इसको समझते हुए अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया है, वो विचलित नहीं हो रहा है, उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से, सुख दुख से, पैसे के अभाव से, अब उसका मन स्थिर है भगवान की सेवा में, तो उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, चाहे उसको गीता का एक भी श्लोक याद ना हो। तो चैतन्य भागवत के अन्य उदाहरण से एक और उपयुक्त श्लोक है कि शिक्षा का उत्तम फल है कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाया जाए, ये शिक्षा का उत्तम फल है। सही से विद्यार फल जानी है निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्तवृत्ति रहा। तो विद्यार फल, विद्या का फल क्या है, वो विद्या का फल ही है। तो हम लोग आजकल बहुत तरह की विद्याएं ले रहे हैं, बहुत तरह की कोर्सेज बनते जा रहे हैं, लेकिन उस विद्या का फल ही होना चाहिए। तो हमें सोचना चाहिए, कई बार हम बिल्डर जाते हैं, हमारे जानकार लोग भी, क्या हम अगर हम बच्चों को इस प्रकार के स्कूलों में पढ़ाएंगे, गुरुकुल में पढ़ाएंगे, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ पाएगा, मेरा बच्चा पिछड़ तो नहीं जाएगा, हाँ मेरा बच्चा क्या समाज में कुछ कर पाएगा, मतलब उसका नाम हो पाएगा, हम बड़े परेशान रहते हैं। यहाँ लिखा है कि विद्या का फल क्या है, कि मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाया जाए, और ये एक जॉइंट एफर्ट है सारे समाज का। हमारा जो पुराना समाज में बड़े लोग हैं उनका कर्तव्य है कि जो नई जनरेशन है उसको इस तरह से लगाए, न केवल माता पिता
जब भी हम किसी को देखें तो हमारा पर्पज यही होना चाहिए, यंग जनरेशन कैसे इनको कृष्ण के चरणों में लगाया जाए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। यही फायदा होता है हमारे समाज में सीनियर्स के होने का, कहते हैं ना बूढ़े लोग का बड़ा फायदा है उनका एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस वो बाकी चीज़ों में एक्सपीरियंस दिखाते हैं। देखो जी मेरे को ये शादी कराने का बड़ा एक्सपीरियंस है, कोई कहता है, कोई कहता है जी मरते हुए क्या क्या करना होता है समझ नहीं आ रहा, उसका बड़ा एक्सपीरियंस है जी इनको बुला के लाओ। ये एक्सपीरियंस तो है ही, इसके अलावा मुख्य एक्सपीरियंस क्या है कि कैसे ये नई जनरेशन को हम भगवान के चरण कमलों में लगाएं। हाँ हम केवल ये नहीं कह सकते कि अध्यापक का काम है, अध्यापिका का काम है, ये काम सबका है वास्तव में। तो इसलिए बता रहे हैं कि विद्या का फल क्या है कि अपने मन को कृष्ण के चरण में लगाया जाए। भौतिक शिक्षा यहाँ बता रहे हैं फिर से, दिग्विजय करीब विद्या कार्य न है, ईश्वर है भजीला से ही विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय नहीं है। संसार को जीत लेने का मतलब है कि एक एक्सीलेंट सैलरी आ गई, एक एक्सीलेंट फ्लैट मिल गया, बहुत बढ़िया जगह पर लोकेशन मिल गई, हाँ विदेश में चले गए, संसार को जीत लिया, ये इसका कोई, ये कोई वांछनीय नहीं। यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। अब इस हिसाब से तो सारी शिक्षा प्रणाली ही रद्द कर दी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा कोई फोकस ही नहीं है। शिक्षा प्रणाली का ऐसा फोकस है तो उसको शिक्षा ना बोला जाए उसको, एटलीस्ट हम ये ना बोलें कि हम विद्यालय भेज रहे हैं, वो विद्या नहीं रही ना, वो तो कुछ और रहा, वो तो रोजी रोटी कमाने का धंधा रहा। तो इसका मतलब हम बच्चे को 3 साल से या मे बी उससे पहले रोजी रोटी कमाने के लिए निपुण बनाने के लगा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है कि वो बड़े होकर इतना लाखों रुपए कमा लेता है, जिस चीज़ की प्रैक्टिस वो 2-3 साल से कर रहा है, क्यों नहीं वो ऐसा कर पाएगा, कोई बड़ी बात है। इसलिए अब ध्यान से देखेंगे तो हमारा पर्पज ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा, हाँ ये स्कूल बड़ा अच्छा है, ये वैदिक स्कूल है, क्यों है जी वैदिक स्कूल, इसमें ना रामायण की कुछ चौपाइयाँ लगी हुई हैं। हाँ अब वो चौपाई पढ़ा, दिक्कत ये है कि चौपाई लगा भी थी तो पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला ही निर्विशेषवादी दुष्ट व्यक्ति, कोई शराब पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई जीवन में जिसका कोई चरित्र नहीं है, कोई राम को जानता ही नहीं है, कोई भक्ति करता ही नहीं है, वही व्यक्ति तो पढ़ाएगा। कोई संस्कृत का विद्वान आके आपको गीता के श्लोक पढ़ाएगा जो कि खुद ही भक्त नहीं है। तो ये इसलिए कोई बीच बीच में एकाध श्लोक एकाध कुछ ऐसी किताब लगा देने से बदलेगा नहीं, क्योंकि मुख्य पर्पज़ तो वास्तव में यही है पढ़ाई का। आप सोच लीजिए अगर ऐसा नहीं है तो, यहाँ लेकिन कुछ और बता रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है, यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। शिक्षा ही झूठी बता दी आपने तो। उसके बाद एक और श्लोक बता रहे हैं प्रभुपाद, सुसंस्कृत शिक्षित सक्रिय और धार्मिक होने का अर्थ है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करना। ये अर्थ है शिक्षित होने का, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के लिए प्रच्छन्न प्रेम रखता है और उसे संस्कृति तथा शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। हम शादी भी करते हैं तो क्या देखते हैं, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, बीए है, लड़का क्या है, इंजीनियर है, यानी कि पैसे कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, वहाँ पर भी यही उद्देश्य है। जबकि एक संसार की राजकुमारी देवहूति ने अपने पति को सर कैसे चंद चुना, जो जंगल में रहता है, कुछ नहीं कमाता है, कोई कुटिया नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे जाके रहते हैं कर्दमुनि। शिव पार्वती की सारी दुनिया पूजा करता है, लेकिन पार्वती ने किसको अपना वर चुना, जो किसका कोई रुचि नहीं है, कपड़ों में है रुचि कोई, कहाँ पे वो शमशान की राख को मल के वो ये दिखाते हैं, ये जीवन जीवन टलमल कमल दल चल, शिव जी इस बात को दिखाते हैं, देखिए जी यही है सब सच्चाई, इसलिए शमशान की राख को ही मल लो, यही कपड़े बन गए। इतना वैराग्य व्यक्ति उसको सेलेक्ट करती है पार्वती जी, वो सारा संसार की पूजा करता है लेकिन उनसे सीखने का प्रयास नहीं करता है कि असली शिक्षा क्या है, जो भगवान शिव जी हमेशा जो भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं वही तो शिक्षा है, उस शिक्षा को नहीं लेते हम लोग। तो इसलिए असली धार्मिक होने का मतलब है, शिक्षित होने का मतलब है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम पैदा करना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। कृष्ण इस्कॉन के 6-7 पर्पस आई थिंक, उसमें से एक पर्पस यही है कि सिस्टमेटिकली कैसे हम कृष्ण भावनामृत की इस शिक्षा का प्रचार कर सकें, ताकि वास्तविकता में लोगों को शिक्षित बनाया जा सके।
अभी लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से लिटरेसी रेट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। लोग बहुत तेजी से अशिक्षित हो जा रहे हैं, हर साल इलिटरेट लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जितनी जितनी नई जनरेशन आ रही है वो नास्तिक ही बनती जा रही है बस। हाँ, तो बहुत ही कम लोग शिक्षित हैं संसार में देखा जाए, जो इस शिल प्रपात की चलाई गई आंदोलन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अनन्य प्रेम पैदा कर रहे हैं, और कुछ प्रमाणिक संप्रदायों में जो पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ को ऑथराइज़ किया हुआ है भगवान ने स्वयं, ये हैं जो इस यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, ये लोग हैं शिक्षित। एक बार भगवान चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति ही शिक्षा का श्रेष्ठ अंग है। लेकिन अक्सर जैसा हमें लगता है कि हम सुनते हैं और हमें लगता है दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है, हम सोचते नहीं कि अब हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए, आइए इसको मिल के कुछ करा जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, बड़े दुख की बात है। सब लोग सोच रहे हैं कि मैंने अपनी माला कर ली, अपना दीक्षा ले ली, समय आने पर हो गया। कहीं प्रभुपाद के पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ दिखता नहीं है, कहीं भी ऐसा पुस्तकों में लिखा हो कि आप दीक्षा ले लीजिए, निनाम जप लीजिए, आपका काम खत्म हो जाता है। गुरु महाराज भी अक्सर बोलते हैं दीक्षा इज नॉट अ गारंटी फॉर गोइंग बैक टू गॉड, इट इज कि आप आदो श्रद्धा गुरु आश्रय लेने के बाद में क्या करते हैं, आप जिज्ञासा करते हैं और सेवा करते हैं गुरु की, ये आगे के काम है। और गुरु की सेवा कैसे होती है, गुरु की इंस्ट्रक्शंस, या श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बता रहे हैं कि हमारे आचार्य क्या चाहते हैं हमसे, किस तरह की शिक्षा हमसे चाहते हैं, और हमें किस तरह की शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। कम से कम आपके अंदर दिमाग नहीं है तो इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देने का मुख्य पर्पज़ बनाएं कि तेरे जीवन का बेटा पर्पज़ यही है। हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जिस दिन हमारा बेटे के नंबर मैथमेटिक्स में 25 में से 25 से आते हैं, लेकिन जिस दिन उसका करेक्टर गिरता है हम कहते हैं ठीक है संभाल लेंगे, समय आने पर सीख जाएगा। इतने विचलित नहीं होते जितने कि उसके नंबर कमाने पर, परसेंटेज कमाने पर बड़े विचलित हो जाते हैं। कई बार तो सोचने लगते हैं हम सही जगह पर रखा हुआ है बच्चे को, कहीं बाहर कर देंगे, नंबर ही नहीं आ रहे यहाँ तो उसके। कई विचार बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे के, जरा से भी नंबर कमाने लग जाए तो, लेकिन उसके चरित्र में जरा से भी गिरा उसके लिए कोई टेंशन नहीं हमारी, ना तो उसके लिए हमारा समय है, क्योंकि समाज भी ऐसा बन गया है हर चीज़ को इसके लिए वहाँ भेज दो, इसके लिए वहाँ भेज दो, इसके लिए वहाँ भेज दो, इसके लिए स्कूल कॉलेज हैं, हम अपना बैठ के कमाएं, हाँ बच्चा अपना कहीं पढ़ लेगा। तो यहाँ तो कुछ और ही बताया जा रहा है, हमारे आंदोलन इस आंदोलन में बताया जा रहा है कि मुख्य पर्पस यही है कि हम कैसे कृष्ण प्रेम जगा सकें कम से कम आगे आने वाली पीढ़ी में। तो हर लोग अपना अपना जिम्मेदारी तो ले ले अपने अपने परिवार की, तभी हम कहलाएंगे पिता माता। उसके बाद कहते हैं जो भक्ति में लगा हुआ है वह संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। नारद मुनि कहते हैं इसका कारण है कि वो भगवान की, श्री भगवान परमात्मा है और सबके सखा है, वो जानता है कि मेरे जो सखा हैं वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो डरता नहीं है। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है, यानी कि जिसका भगवान पर अटूट विश्वास है, रक्षस्यतीत विश्वास हो, जिसको इस बात पर विश्वास है कि कृष्ण ही रक्षक हैं, वही पालन करता है, वो व्यक्ति संसार का गुरु बन सकता है वास्तव में, क्योंकि उसके विश्वास से ही दूसरों के अंदर विश्वास पैदा होगा। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है, उसको वैसा ही दर्जा देना चाहिए जैसा हम कृष्ण को देते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत में। हाँ देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं जी, गुरु की आवश्यकता कहाँ है, एक बार गुरु ने हमारी जानकारी करा दी उसके बाद कहाँ ज़रूरत रही गुरु की। बिल्कुल ऐसा कई लोग सोचते हैं कि गुरु की आवश्यकता कहाँ है, गुरु ने हमें भगवान से कनेक्ट कर दिया, नाउ यू कैन रिमूव हिम इन बिटवीन, और अब तो हमारा डायरेक्ट संबंध है। शास्त्र कहते हैं गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास, गोपियों के दास के दास के दास के दास के दास बन के हमें जीवन बिताना है। वृंदावन में ऐसा ही सिस्टम चलता है, वृंदावन में ऐसा नहीं है कि जाके डायरेक्टली लोग कृष्ण को, ऑल दो कृष्ण का सबसे इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, बट इतनी विनम्रता है भक्तों के अंदर कि राधा रानी को सपोर्ट करते हैं मंजरी सखियाँ, सखियों को सपोर्ट करती हैं मंजरियाँ, उनको सपोर्ट करते हैं हम, उनको और भक्त लोग सपोर्ट करते हैं, फिर हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अभिन्न अंग, यहाँ बता रहे हैं प्रमाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि एक्चुअली में कृष्ण से अभिन्न है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्त तथा भावेत एव सद्भि,
हर शास्त्र में गुरु और परमेश्वर का, हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को श्री भगवान से अभिन्न समझना जाना चाहिए। तो भागवत में से हम आपको इस वक्त समझा रहे हैं, जहाँ पर बता रहे हैं कि उनको अभिन्न समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का परम विश्वास पात्र दास है। भगवान इस बात को कभी भी अच्छा नहीं मानेंगे यदि हम कहेंगे जी अब नाउ आई डोंट नीड गुरु, व्हाट इज द यूज ऑफ हिम। तात्पर्य है कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय है। यदि हम कहते हैं कि पंडित जी हमारी शादी कराते हैं, उसके बाद पंडित जी की आवश्यकता क्या है, तो ये धूर्तता है, ये धूर्त विचार है। दीज आर सेल्फिश थॉट्स। पहली बात तो पंडित जी, हाउ कैन यू कंपेयर पंडित जी विद वैष्णव। पंडित जी तो आपसे नोट लेके आपकी शादी कराते हैं, पता नहीं वो अग्नि में माँ काली आती है या भगवान आते हैं, वो जानते नहीं हम। वास्तव में आजकल के ये रिचुअल इनकी शुद्धता समाप्त हो चुकी है, फिर भी कराए जाते हैं। हाँ, कई वैष्णव लोग आगे आ रहे हैं और इन रिचुअल को पूरा करा रहे हैं शुद्धता से, हाँ, वैष्णव रीति रिवाज से। अदरवाइज संसार में जो पंडित जी हैं, यू कैन नॉट कंपेयर पंडित जी विद अ वैष्णव। वैष्णव की ग्लोरी तो इतनी बोली गई है शास्त्रों में, अनलिमिटेड ग्लोरी बोली गई है, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं वैष्णव की ग्लोरी से। तो ये कहना कि पंडित जी की बात में क्या आवश्यकता है, हाँ, या लोग गुरु को इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कई जगह से, कि हमारे स्कूलों में तो जी बहुत सारे टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, इसलिए बहुत सारे गुरु हैं। हाँ, बहुत सारे गुरु बनाए जा सकते हैं, शिक्षा गुरु। उसका मतलब क्या है, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मैनी पीपल, क्योंकि हर किसी की लाइफ से हम कुछ इंस्पायर होते हैं, इसकी ये बात इंस्पायर करती है इसकी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के प्रति अपनी शरणागति ना करें, क्योंकि आप भगवान के प्रति शरणागत है, ये बड़ा संदेहात्मक सेंटेंस है, क्योंकि बोला गया है गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास, यू हैव टू सर्व अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हम पढ़ते हैं रागानुगा भक्ति के अंदर, उसमें हम लगते हैं कि जो भगवान के रागानुगा भक्त हैं, जो ब्रजवासी हैं कहने के लिए, नॉट फिजिकली ब्रजवासी हैं, हृदय से जो ब्रजवासी हैं, वास्तव में भगवान के धाम के वासी हैं, उनके उनके फॉलोअर हमें बनना पड़ता है। इट इज़ कभी ऐसा नहीं, फॉलोअर का मतलब समझते हैं, फॉलोअर हम किसी एक को फॉलो करते हैं अल्टीमेटली। हाँ, हम इंस्पिरेशन मल्टीपल लोगों से ले सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट मत करिएगा। इंस्पिरेशन हम मल्टीपल लोगों से ले सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन, चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को समर्पित करते हैं। इंस्पिरेशन हम बहुत लोगों से लेते हैं। शिला प्रभुपाद ने इंस्पिरेशन ली श्री संप्रदाय से, और श्री संप्रदाय के अनुसार शिला प्रभुपाद ने पूजा पद्धति को बहुत विस्तृत किया हमारे इस्कॉन के अंदर। हाँ, तो इंस्पिरेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी चेन को फॉलो करते हैं कि ये मेरी चेन, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मुझे शरणागत होना पड़ता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इतने सारे टीचर हैं तो मैं किसी एक के प्रति क्यों समर्पित हूँ, तो हम ये कहते हैं कि फिर उसी तरह से एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट भी है, उसका एक ही टीचर होता है। अगर आप दो दो फिजिक्स के टीचर से फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपका बेड़ा गर्क होगा, और आप कहेंगे फिर तीन, जितने ज़्यादा हों उतने अच्छा है, 10 फिजिक्स के टीचर लगाऊंगा मैं किसी, आप करेंगे आप अपने जीवन में ऐसा, हाँ, कि आपने 10 फिजिक्स के टीचर लगा लिए। अब हर आदमी का एक सॉल्यूशन करने का तरीका अलग होता है, ऑल्दो सबका निष्कर्ष मान लेते हैं एक ही जगह पर निकले, लेकिन बिकॉज दे हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, तो हर व्यक्ति किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। हाँ, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में जाके किसका सॉल्यूशन लगाएं, दैट मींस उसके बाद हम अपना दिमाग लगाएं कि किसका सॉल्यूशन अच्छा है, क्या ये तरीका बेहतर लगता है, लगता तो नहीं है। दिस इज नॉट शरणागति। तो ये है कहने का मतलब, बहुत सारे फिजिक्स के टीचर होंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से एक चुनना पड़ेगा जिसके साथ आपका तालमेल बैठ रहा है, और फिर उसको समर्पित करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते थोड़े दिनों में जी इनसे तो लूट लिया जो लूटना था, अब किसी और को ढूंढता हूँ, देन आप मौका परस्त हैं, आप थाली के बैगन हैं, आप एक पॉलिटिशियन लीडर की तरह बन गए हैं कि जहाँ पर जिस सत्र की सत्ता भारी है उसी तरफ को लुढ़क लो, जहाँ पर आनंद आ रहा है, जहाँ पर आप हमें भावनाओं से भिगो दे रहे हैं, हाँ, जब तक भिगो रहे हैं तब तक आनंद आ रहा है, और जब भीगना बंद कर दिया तब आनंद आना बंद हो गया, नाउ आई नीड समथिंग एल्स। ये कृतज्ञता है, यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है गुरु को श्री भगवान से अभिन्न समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का परम विश्वास पात्र दास है। किंतु प्रभोर यह प्रिय एवं तस्य, इज वेरी डियर, डिवोटी इज वेरी डियर टू कृष्णा।
तात्पर्य यह है कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो परमात्मा को भी प्यार करने लगता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता कभी भी। हाँ, वह जानता है कि देवताओं की अपेक्षा से भगवान की पूजा सरल है। भक्त सदैव भगवान को प्रेमा भक्ति में संलग्न रहता है। और पद्म पुराण में कहा गया कि भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो और ब्राह्मण के षट कर्मों को जानता हो, किंतु तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक भगवान का भक्त ना हो। भक्त का हृदय बड़ा सरल होता है, भक्त का हृदय जटिल नहीं होता, कूटनीतिज्ञ नहीं होता। हाँ, कूटनीति से दूर होता है, छल कपट से दूर होता है, सरल होता है, स्पष्ट बात कहना जानता भी है। हाँ, वो जानता है कि उसकी समर्पण कहाँ पर है, इसमें उसको कोई डाउट नहीं। तो बता रहे हैं कि कोई शास्त्रों में निपुण ना हो, षट कर्मों को ना जानता हो, हाँ, या जानता हो और शास्त्रों में निपुण हो लेकिन भगवान का भक्त ना हो, हाँ, तो वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन यदि कोई चांडाल के परिवार में पैदा हुआ है और भगवान का शुद्ध भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं, तब तक गुरु नहीं बन सकता। जो भक्ति के उपयुक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है, उसे समझना चाहिए कि वो साक्षात भगवान उपस्थित है, भगवान नहीं है। ये भी समझ लीजिए। हाँ, हमारी परंपरा में बहुत क्लियरली बताया गया है कि गुरु भगवान नहीं है। भगवान जैसा उसको रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए वो रासलीला नहीं कर सकता है। गुरु जो है कि आप जो है उसके साथ रासलीला करें, ये तो भगवान ही साक्षात भगवान है। हाँ, साक्षात भगवान है, लेकिन गुरु की क्वालिफिकेशन यही कि वो भगवान का दास मानता है अपने आप, भोगी नहीं मानता है। ठीक है, यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों के अनुसार प्रमाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को, तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर बताया जा रहा है परामर्श करना, तो परामर्श तो ऐसा भी तो कहा जाए ना, परामर्श तो कई सारे लोगों से करना चाहिए, इससे भी उससे भी उससे भी 50 लोगों से परामर्श करके फिर करना क्या चाहिए जो तुम्हें सही लगे। तो क्या ये अपराध नहीं हो जाएगा उन लोगों के प्रति जिनसे आप पूछते हैं, प्रभु जी बताइए ये वाली नौकरी मैं करूँ या ना करूँ? आप करें मेरे हिसाब से कर लीजिए। अच्छा प्रभु जी, फिर दूसरे के बाद जा रहे हैं, प्रभु जी बताइए ये नौकरी मैं करूँ ना करूँ? मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। अच्छा प्रभु जी, तो 50 लोगों से पूछ लिया, आप बोला जी मैक्सिमम किसना निकला? मीन मोड सब निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सब निकाल दिया, स्टैटिस्टिक्स लगा दी। अच्छा, तो पब्लिक व्यू ये है कि मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, तो मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। ये पागलपन है एक नंबर का, उस व्यक्ति का सत्यानाश ही होगा, वो अपराध भी कर रहा है कईयों के प्रति। थोड़ी देर में सब चिंतित है, यार ये कोई पूछना है, फिर दोबारा अगली बार पूछना आएगा मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या बताएगा बताने वाला? मुझे लग रहा है ना, आप थोड़ा इस पर विचार करो। देखिए इंटेलिजेंट आदमी तो ऐसे कर, मुझे लग रहा है आप इस पर थोड़ा विचार करो, थोड़ा इस बारे में सोचो और फिर डिसाइड करो। बस उसने बताया नहीं कुछ, तो क्या हाँ ये मुझे भी ठीक लग रहा है, ठीक है जी, उसी के ऊपर डाल दिया, तुम ही सोचो। तो बताने वाले को भी समझ में आ जाएगा ये मूर्ख है, ये मेरे से केवल पूछने के लिए पूछ रहा है, करना इसको अपने मन की है, हाँ, लेकिन पूछने के लिए पूछ रहा है। ये अपराध ही तो है और क्या है। कैसे उस आदमी को, आदमी कैसे पनपेगा जिसको अपने ही मन की करनी है, लेकिन स्टैंप लगाने के लिए या एक रिचुअल के लिए या कभी कभी इसलिए कि मेरा भला हो जाए, मैक्सिमम लोगों की राय ले लूँ, राय, हाँ, इनकी भी राय ले ली जाए, इनकी भी राय ले ली जाए, इनकी भी राय ले ली जाए, हाँ, फिर जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है उसको कर लिया जाए, या जो मेरी बात बोल दे जो मैं चाह रहा हूँ उसकी बात मान ली जाए। तो अतः मनुष्य को ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो भगवान, कैसे बता रहे हैं कि जो गुरु परंपरा में आता है, समर्पित है। जीवन की सफलता का अर्थ है कि ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। हाँ, इसलिए हम लोग अपनी आरतियों में पहले गुरु आरती करते हैं। गुरु आरती मतलब गुरुवाष्टकम करते हैं। हाँ, पहले जब कोई नई, अभी मुझे कोई बता रहा था कुछ दिन पहले कि कुछ भक्त नए नए जुड़े, तो उनके साथ इस्कॉन वृंदावन में गए और वहाँ पे आरती करने गए। 4 बजे पहुँचे तो देखा जी, अरे ये क्या, तुम भगवान की पूजा से पहले गुरु की पूजा कर रहे हो? मैं तो नहीं करूँगा। वो जाके अंदर ऑल्टर में चले गए। तो ऐसा शुरू में ऐसा विचार होता है कि गुरु की पूजा क्यों करी जा रही है, लेकिन खास तौर पे बात ये है समझने की, इस्कॉन इज ए सच ए इंस्टीट्यूट जिसके अंदर लोग ये नहीं जानते हैं कि इस्कॉन किसका बनाया हुआ है। लोग जानते हैं कि इस्कॉन मतलब कृष्णा है ना, ये एक सबके से पूछ लीजिए। शिल प्रभुपाद को तो बहुत लोग कम जानते हैं जब वो आते हैं अंदर, लेकिन बाहर वाले लोग मतलब इस्कॉन मतलब कृष्णा। तो बहुत क्लियर है इस्कॉन के मंदिरों में कि भगवान कौन है, लेकिन ये भी क्लियर है जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है कि गुरु की पोजीशन क्या है, वही समझ पाता है। इसलिए वो पहले गुरु की पूजा करता है मॉर्निंग में, और गुरु के माध्यम से कृष्ण की पूजा करता है। गुरु की पूजा करने का मतलब क्या है,
जब हम ऑफरिंग करते हैं, भोग लगाते हैं, तो पहले हम क्या बोलते हैं? नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। तो हम गुरु को थोड़ी भोग लगा रहे हैं, कहने का, और गुरु को भोग लगा भी रहे हैं। कहने का मतलब जब हम गुरु को बोलते हैं, बुलाते हैं, तो वो फिर आगे ऑफरिंग करते हैं, वो और आगे ऑफरिंग करते हैं, वो और आगे ऑफरिंग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ऑफरिंग का प्रोसेस भी है। तो गुरु पूजा के माध्यम से भी आप समझ लीजिए, आप गुरु को यू आर मेकिंग यू रेडी। शिल प्रभात, अभी कृष्ण बलराम की पूजा होनी है, प्लीज़ आप रेडी हो जाइए। आप उनको रेडी कर रहे हैं, नाउ ही इज़ रेडी, नाउ ही विल गो। हम उनके पीछे पीछे जाएंगे और क्या बोलेंगे, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, फिर हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से तो ये समझने की बात है, ये दोनों बात एक साथ समझने की ज़रूरत है कि कैसे गुरु भगवान नहीं भी है और कैसे गुरु का दर्जा भी वही होता है। नारद उवाच, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया। अब अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुप्त है। अब और गहरी बातें नारद मुनि बताने वाले हैं। श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा बहिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद की यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत कर्म कांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे, किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने के लिए तैयार नहीं था, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट होगा। राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था और तपस्या करने के लिए घर से दूर गए थे। उनके लौटने पर राज उन्हें सौंप कर घर छोड़कर बाहर जाएगा। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वह गुरु बनाकर उनकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कुछ कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वह हिचकिचाते हैं। गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक समझ में ना जाए कि भौतिकतावादी जीवन शैली कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। और यही कारण है कि इतने कम लोग नंबर्स में लोग लेक्चर ज्वाइन करते हैं। आज आप कोई भक्ति में वीडियो डालते हैं जो कि शुद्ध भक्ति बताती है, तो उसमें लाइक्स आ जाएंगे थोड़े बहुत, 200, 400, 500, 1000। और आज अभी आप एक वीडियो डालिए, नंबर वन फार्मूला टू क्रैक MBA एग्जामिनेशन, आप देखेंगे मिलियंस फॉलोअर्स, तुरंत व्यूज आपके मिलियंस में जाएंगे। हाउ टू विन द हार्ट ऑफ अ वुमन, 2 करोड़ व्यूज कुछ सेकंड के अंदर। बस ये टॉपिक डाल दीजिए अंदर, चाहे उसमें गोभी काटना सिखा दीजिए, तो टॉपिक डाल दीजिए एक किसी स्त्री को कैसे लुभाया जाए, बस फिर देखिए। इसलिए इतने कम, क्यों? क्योंकि गुरु का काम यहाँ बता रहे हैं कि उसका काम यही है, उसको समझाना है कि देखिए ये जीवन किस काम के लिए नहीं है, जिस काम को आप कर रहे हो इसको भगवान की सेवा में लगाओ। क्या ये काम करे जा रहे हो, क्या ये सारा दिन आपका पता नहीं किन किन कामों में निकल जाता है, यही काम है बताने, उसको समझाने का। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो। वेदों के अनुसार, आदेशों के अनुसार, जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, तब तक संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। इसलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृतांत सुनाने का निश्चय किया जिससे राजा गृहस्थी को त्याग सके। अब नारद मुनि को समझ में आ रहा है, ये आदमी के समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ एक के बाद एक कहानियाँ, इसको और कहानियों के माध्यम से समझाना पड़ेगा। तो नारद मुनि आगे चलते हैं, कहते हैं कि हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी पत्नी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य में अत्यधिक अनुरक्त है। जैसे कि समझ लीजिए, जैसे कि हमारे सामने कई बार पिज्जा आ जाता है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जबरदस्त होता है। इतना कंसंट्रेशन हमारे जीवन में कभी नहीं आता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल उसकी एक एक लेयर में आता है, उसके अंदर की एक एक चीज़ में आता है, उसके अंदर के स्वाद में आता है। हम देखते भी ऐसे भेंगे बन जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ऐसी उसको खा रहे होते हैं हम, इतना अनुरक्ति होती है हमारी इस काम भोगने के काम में। तो हिरण भी वैसे ही घास, बिल्कुल खचर खचर आवाज़ भी आती है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो खचर 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 घास को तोड़ने की आवाज़ आती है, एकदम उसमें मस्त है। वह हिरण अपने कार्य में अत्यधिक अनुरक्त है और उद्यान के भवनों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो, उसे पता ही नहीं है कि सामने एक भेड़िया है। और हमें भी नहीं पता है कि कौन से सेकंड में मृत्यु आने वाली है। लेकिन महान भक्त इससे विचलित नहीं होते। अभी मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि जो कदम्ब कानन महाराज, जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो लिख रहे हैं कि सारे अपने शिष्यों को, सबको, देखो जी मुझे कैंसर हुआ है, बट डोंट वरी, मैं अपनी स्वास्थ्य के अनुसार अपना प्रचार कार्य जारी रखूँगा। उन्होंने लिखते हैं कि राजा परीक्षित को 7 डेज मिले थे, मेरे को भगवान ने ज़्यादा दिन दिए हैं, ऐसा लिखते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी।
कि भगवान ने परीक्षित महाराज को 7 दिन दिए थे, मुझे ज़्यादा दिन है, मैं कुछ और प्रचार कर पाऊँगा और कुछ सेवा कर पाऊँगा और मैं अपना हालचाल आपको बताता रहूँगा। तो भक्त लोग जानते हैं क्या मृत्यु सामने आएगी, आने ही वाली है, इसलिए वो हमेशा पूरा जीवन उनका उसी कार्य में लगता है। लेकिन सामान्य लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा ज़्यादा खा लो पी लो, हाँ ये हमारी लोकल लैंग्वेज में हम लोग सुनते हैं, जितना ज़्यादा भसका लो लोकल लैंग्वेज में ऐसा यूज़ किया जाता है, भसका लो मतलब हड़प कर लो, घुसा लो, इस तरह का। हम चाहते हैं जितना ज़्यादा इससे पहले कि हम बूढ़े हो जाएं, हाथों में दम ना रहे, बस किसी तरह से भोग लो 25-30-40-50 साल तक, इतना भोगो। उसको पता नहीं है कि 25-30-50 साल भी जिएगा कि नहीं जिएगा। हाँ, तो उस हिरण को नहीं पता है कि सामने भेड़िया खड़ा है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट का पालन करता है। हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों के भेदने के लिए उद्यत है। अब एक तरफ से शिकारी है जो बस बाण साधे बैठा है, एक तरफ से वो भेड़िया खड़ा है जो धीरे धीरे, देखा आपने कैसे चलते हैं शेर कुत्ते भेड़िए, ऐसे ऐसे उनके पैरों के नीचे गुदगुदा सा गुदगुदा होता है पैर, तो उनके पैरों के चलने की आहट नहीं आती है, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उधर से शिकारी आगे बढ़ रहा है और हिरण किस काम में लगा है, वो केवल मस्त होकर अब घास को खा रहा है। हिरण के पीछे शिकारी है जो तीक्ष्ण बाणों से भेदने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरण की मृत्यु सन्निकट है, कहीं अभी इधर से नहीं तो इधर से, बस मृत्यु अभी आने वाली है कुछ ही सेकंड में, लेकिन वो मस्त है जीवन, हाँ जीवन का चाहे वो जीवन के दिन छोटे सही छोटे हैं लेकिन आनंद ले लो इसके अंदर। हाँ कल क्या है वो, कल हो ना दोबारा, पता नहीं क्या समथिंग लाइक दैट, जिंदगी मिले ना दोबारा, चार वाक थ्योरी बेसिकली। जितने छोटे हैं लेकिन इनको खूब एंजॉय कर लो। तो यहाँ एक रूपक अनियुक्ति है, अनियुक्ति यानी रूपक है, जिसमें राजा से भयानक स्थिति में रहे इस हिरण को ढूंढ निकालने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे हिरण को ढूंढो, हाँ राजा को समझ में आना चाहिए ये मैं ही तो हूँ, कहाँ ढूंढूँ। यदि भी वो चारों ओर से संकट से घिरा है किंतु सुंदर अध्ययन उद्यान में घास चल रहा है, चारों ओर से संकट से बेसुध है, सभी जीव विशेषतः मनुष्य अपने को परिवार के बीच में बड़ा सुखी और सुरक्षित मानते हैं, मानो किसी उद्यान में भौरों की गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित माने। भौरों की गुंजार क्या है, बच्चों की बोली, तोतली बोली, पापा पापा मेरे लिए आप ही लाओगे, हाँ वो बड़ा खुश है। हाँ कोई पापा बोले पापा पापा पापा, ऐसा लगता है कि बचपन से इस शब्द को सुनने के लिए वो इंतजार कर रहा था। मनुष्य हिरण के ही समान ये जाने बिना कि उसके समक्ष काली काल रूपी भेड़िया खड़ा है, अपने परिवार का भोग करता है और जीवन के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है, हिरण भी अत्यंत कामी है। निष्कर्ष यह है कि जो हिरण की तरह रहता है वह कालांतर में मृत्यु का शिकार हो जाता है। इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपने स्वाभाविक स्थिति को समझें और मृत्यु आने से पहले ही भक्ति करें। और भागवत के अनुसार अनेक जन्मों के पश्चात हमें यह मनुष्य देह मिलती है, अतः मृत्यु आने के पूर्व हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की यही पूर्णता है, यस यही हमारी पूर्णता है और ये हमारे आचरण में हमारे दिनचर्या में दिखनी चाहिए। हमारी दिनचर्या में जब ये दिखेगी तभी हमारे बच्चे भी इसको समझेंगे। जब हम बच्चे से बोलेंगे बेटा अभी तो मेरी तेरी टेक केयर कर रहा हूँ कृष्ण की कृपा से, लेकिन हमेशा तो नहीं रहूँगा, इससे पहले कि मैं चला जाऊँ ये मैं ज्ञान तेरे को देना चाहता हूँ। कौन सा ज्ञान, ये अपना बिजनेस में तेरे को पार्टनर बनाना चाहता हूँ, नहीं मैं तेरे को ये भगवत ज्ञान देना चाहता हूँ, इसको समझ ले इससे पहले मैं चला जाऊँ। तो ये हमारा हमारे आचरण में दिखना चाहिए कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। तो नारद मुनि एक तरह से बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन कर रहे हैं, प्राचीन भरीषत का ज़बरदस्त ऑपरेशन चल रहा है और कई महीने साल बीत चुके हैं हमें भी पढ़ते हुए। हाँ कि बहुत ही कृपा है हमारे आचार्यों की कि ऐसे ऑपरेशन का आँखों देखा हाल हम सुन पा रहे हैं, कानों सुना हाल हम सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।